और अब बात उत्तर प्रदेश के 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की करते हैं, जिसके लिए लंबा आंदोलन स्टूडेंट्स ने चलाया। आरक्षण की नियमावली में अनियमितता का आरोप लगा, लेकिन उसके बाद डबल बेंच ने जो फैसला सुनाया, सारी चीजें चेंज हो गई। उसे लेकर के आज अपडेट ये है कि सीएम योगी ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं। क्या है इस मीटिंग में, क्या खास रहने वाला है, रिपोर्ट। शिक्षकों की ये भर्ती योगी सरकार के कार्यकाल में पहली बड़ी भर्ती थी। 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी, लेकिन आरक्षण में अनदेखी के आरोप लगे और मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने पूरी लिस्ट रद्द कर नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिससे कई टीचर्स की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट पॉलिसी पर विचार कर रही है, जिनकी नौकरी जाएगी उन्हें कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। कोर्ट के फैसले के बाद वार पलटवार का दौर जारी है। उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है उसका स्वागत है। अब सरकार उसकी सही तरीके से अपना समीक्षा वैसे भी करने जा रही है और बच्चों को न्याय दिलाएंगे, ये विश्वास दिलाएंगे। मुझे उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। यूपी सरकार में शामिल सहयोगी दल भी कोर्ट के फैसले से खुश हैं। देखिए, जब मैं सरकार में नहीं था तब भी 4 बार मुख्यमंत्री जी से मिला, उन्होंने भी स्वीकार किया था कि नहीं, अधिकारियों द्वारा कुछ गलती हुई है। हाई कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। और देखिए, अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उनका कहना यह है कि पार्टी की विचारधारा को कोने कोने तक ले जाना है। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी तो है, इसी मद्देनजर एक नई रणनीति के साथ आ गया है। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी हासिल न कर पाने के बाद बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। चुनाव बाद दिल्ली में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें सभी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महासचिव शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी नेताओं से आम लोगों को पार्टी की विचारधारा से जोड़ने को कहा और पार्टी की विचारधारा को देश के कोने कोने तक ले जाने को कहा। इसी कड़ी में पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े इस अभियान के संयोजक होंगे, पार्टी उपाध्यक्ष रेखा वर्मा सह संयोजक होंगी। 1 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू होगा। 10 करोड़ से ज्यादा सदस्य बनाने का टारगेट है। पिछले अभियान में 18 करोड़ सदस्य बने थे। सभी वर्ग से सदस्य बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसमें मुख्यतः जो उद्देश्य है वह है 10 करोड़ प्लस मेंबरशिप बनाना। 10 करोड़ से अधिक लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाना। सूत्रों के मुताबिक देश के आधे राज्यों में सदस्यता अभियान खत्म होते ही पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव होने की उम्मीद है। और देखिए, कर्नाटक में नया सियासी भूचाल आ सकता है, क्योंकि मैसूर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे म्यूडा कहते हैं, यहां जमीन आवंटन के मामले को लेकर के सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ सकती। घोटाले में परिवार का नाम जोड़ने से कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया बैकफुट पर हैं। केस चलाने के राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार पशुपेश में है। हालांकि सिद्धारमैया ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत में इस्तीफा नहीं देंगे। ये मामला मैसूर अर्बन विकास प्राधिकरण मूडा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी की 3 एकड़ जमीन का मूडा ने अधिग्रहण किया। इसके बदले में मैसूर से एक पॉश इलाके में 14 प्लॉट आवंटित किए गए। सीएम की पत्नी को मुआवजा देने के लिए महंगे इलाके में जगह आवंटित की गई। इस घोटाले के खिलाफ मुकदमा चलाने की याचिका दी गई। बिना राज्यपाल की इजाजत के सीएम के खिलाफ केस दर्ज नहीं हो सकता, लिहाजा राज्यपाल ने केस चलाने की इजाजत दे दी है। कांग्रेस सड़कों पर है और वो फैसले का विरोध कर रही है। इस मामले में सियासत शुरू हो गई है तो जनता देख रही है। अगर हिम्मत है तो सिद्धारमैया जी के खिलाफ जनता में जाके दिखाइए। यही सिद्धारमैया, यही डी के कुमार, वही हाईकमान को पैसे देने वाले एटीएम, इसके कारण हम बोलते हैं कर्नाटक राज्य सरकार, कांग्रेस राज्य सरकार हाईकमान का एटीएम है। न्याय मिलने के लिए ये इस्तीफा देना चाहिए। बारिश कल, आज और कल यही सिचुएशन बनी हुई है। पहाड़ों पर भूस्खलन की तस्वीरें बनी हुई हैं। मैदानी इलाकों में जहां तहां बारिश से बिगड़े हालात हैं और मौसम विभाग की जो चेतावनी है, जो अलर्ट है, उधर से भी राहत नहीं है। ओवरऑल कंडीशन क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। पुलवामा से आई इस तस्वीर को देखिए। पहले बादल फटा और फिर पानी का तेज बहाव सब कुछ लील लेने को बेताब नजर आया। इस बीच हाथों में टीन पकड़कर एक आदमी अपने आशियाने को बचाने के लिए मशक्कत करता नजर आया। बरसते बादलों की तबाही देखी, अब देखिए दरकते पहाड़ का खौफनाक वीडियो। ये बांदीपुरा से आया है। यहाँ पलक झपकते ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया, रास्ते बंद हो गए। गांदरबल में तो तेज बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर बरसी। थोड़ी ही देर की बारिश में निचला इलाका पानी में गोते खाने लगा, जिसके बाद लोगों की मुश्किलें बढ़ गयी। मैदानी इलाकों में भी हालात बेहतर नहीं है। राजस्थान के पाली से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां नदी पार करते समय कार सवार 5 लोग पानी के लहरों में फंस गए।
मौत को सामने देखकर लोगों का कलेजा मुंह को आ गया, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। बूंदी में भारी बारिश के बाद सैलाब जैसा मंजर दिखा। अचानक मेज नदी में उफान आया और बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर पर दर्शन करने गए 11 पर्यटक फंस गए। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद SDRF की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वो मेडल तो नहीं जीतती हैं, लेकिन दिल को इस कदर जीतती हैं कि विनर विनेश कही जा रही हैं। और विनर विनेश का कल एयरपोर्ट पर आना और एयरपोर्ट से अपने गांव तक जाना, इतना इमोशनल मोमेंट था कि वो पिक्चर ऑफ द डे बनके पूरे दिन सर्कुलेट होती रही, बस क्रिएट करती रही। ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। जैसे ही विनेश फोगाट का दिल्ली एयरपोर्ट पर दीदार हुआ तो लोग झूम उठे। ढोल नगाड़ों फूलों के गुलदस्तों से स्वागत करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये सम्मान ये प्यार विनेश को इसलिए मिला क्योंकि वो फाइनल खेलने से पहले दुनिया के धुरंधरों को कुश्ती में पछाड़ कर आई थी। लेकिन अफसोस, फाइनल से पहले ही उनके हाथों से मेडल छीन लिया गया। लेकिन देश लौटने पर उन्हें हौसला मिला तो आंखों में आंसू छलक गए। बहुत प्यारा था ओलंपिक मेडल का, मुझे लगता टाइम लगता उसको भरने में, लेकिन आज जो मेरे लिए सोचा तो परिवार का अपना अपने गांव का जो प्यार कर रहे हो तो वो शायद हो गया। रुकिए रुकिए, मुझे हिम्मत मिलेगी और शायद जिस रेस्लिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे मैं तुझे नहीं बता भी मैं छोड़ नहीं सकती, मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है। ABP News, आपको रखे आगे।